टाटा वालों की न्यू कार फ्रेश। क्या सच में टाटा वाले न्यू कार लॉन्च करने वाले हैं? हाल ही के एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि टाटा वालों ने फ्रेस्ट नाम से ट्रेडमार्क रजिस्टर किया है। टाटा मतलब टाटा मोटर्स, और आप ये देख सकते हैं। तो इसके पीछे टाटा वालों का क्या प्लान है? दरअसल रिपोर्ट की माने तो टाटा कर्व अपकमिंग मिड सेगमेंट एसयूवी है, और इसका कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक वर्जन ऑटो एक्सपो में शोकेस किया गया था। उसका नया नाम फ्रेस्ट हो सकता है। अभी कर्व के लॉन्च में करीब एक साल है। उससे पहले टाटा वाले 2-3 नाम और लेकर चल रहे हैं। जिस नाम से लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे वही कंपनी फाइनल करेगी, और ये चीज़ हमने पहले भी देख रखा है। टाटा ग्रेविटास को टाटा सफारी बना दिया, जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया। मैं नाम की बात कर रहा हूँ। गाड़ी में तो आज भी लोग ओल्ड सफारी को ही बाप मानते हैं। कर्व के रिवील होने के बाद से ही इसका काफ़ी ज़्यादा हाइप बना हुआ है, और इसका सबसे बड़ा रीज़न शानदार कूपे डिज़ाइन है, जो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लग रहा है। यह कार क्रेटा के सेगमेंट में आने वाली है। हालांकि इसे अनवील ईवी में किया गया था, लेकिन टाटा के ऑफिशियल्स ने यह कन्फर्म किया था कि इसमें वो आईसी इंजन भी लॉन्च करेंगे। हो सकता है उसी का नाम फ्रेस्ट रख दिया जाए। टाटा की कार्स अपने कॉन्सेप्ट वर्जन को ही फॉलो करती हैं, तो उम्मीद है कि जैसा शोकेस किया था वैसा ही आएगा, पर हो सकता है कुछ चेंजेस हो लाइनिंग वगैरह में। इस सेगमेंट की ये 9वीं कार होगी, और करंटली इस प्राइस रेंज और सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ऑप्शंस हैं। क्रेटा, सेल्टॉस, टाइगून, कुशाक, हाई राइडर, ग्रैंड विटारा, एमजी एस्टर, और अभी लॉन्च हुई होंडा एलिवेट, और थोड़े दिन बाद आएगी कर्व, या कहिए फ्रेस्ट। सबसे ज़्यादा कंपटीशन है इसमें, और कोई ऐसी कार नहीं है जो किसी से कम हो। तभी कंपनियां इस सेगमेंट की कार्स पर कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर रही हैं। हालांकि अभी तक क्रेटा के आसपास कोई नहीं जा पाया है। तो क्या लगता है कर्व से कुछ असर पड़ेगा क्रेटा के सेल में? कॉमेंट करके बताइए।